रोज इतने लोगों का पानी की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था कैसी होगी? तो जिसके लिए इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, वो आई थिंक वो जो रथ है वो आ चुका है। यानी मैं अब 40 की हो गई और अब मेरी इच्छा पूरी हुई है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और इस वक्त मैं हूँ पुणे में, और पुणे में निगड़ी में, और आज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी निकल रही है, तो उसके लिए मैं आ गया हूँ मेरे इस कैमरे के साथ। मुझे कुछ कैंडिड चाहिए थे फोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम के लिए। अभी टाइम जो है वो दोपहर के 2 बज रहे हैं, और इस एरिया में जो पालकी है वो समथिंग शाम को 5 बजे तक आने वाली है। अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ तब तक कुछ कैंडिडेट ले लिए जाए, कुछ लोग बैठे उनसे बात की जाए। और आज मेरे साथ में जो है वो है राम, हालांकि इनका ऑलरेडी चैनल है और इन्होंने ब्लॉगिंग अभी भी शुरू कर रही है, ब्लॉगिंग का भी, तो इनके चैनल को भी एक बार विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बैठ के बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं इस पालकी के बारे में क्या। एक्चुअली मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में। तो अभी मेरा विचार ये है कि इस यात्रा के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी की जाए, तो चलो कुछ लोगों से बात करते हैं इसके बारे में जो इस यात्रा में शामिल है। मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं हिंदी में उनसे बात करूँ, और क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है। नमस्कार, किस गांव से हैं? पंढरपुर से। पंढरपुर से आप? तो ये यात्रा पंढरपुर ही जाती है ना? पंढरपुर। तो अभी आपने शुरू कहाँ से की थी? आलंदी से। आलंदी का आज प्रस्थान है। अच्छा। कल आए वो सासवड़ पे। ओके। अभी आपको ली कल्पना। ओके। तो ये पूरी जो यात्रा होती है वो कितने दिन की होती है? 21 दिन लगता है। 21 डेज। ओके, 21 डेज। बहुत मजा आता है। तो आप लोग रात को भी चलते हो? रात को दिन पे खाना सो चलो। और खाने की और पीने की ये सब चीजें? कुछ ही नहीं, खाने पीने का बहुत ज्यादा है। लंगर मिल जाते हैं रास्ते में जो लगे होते हैं। ओके। बहुत मजा आता है ना। तो अभी और कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ और जानेंगे इस यात्रा के बारे में, क्योंकि मुझे भी उतना ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। मैं हालांकि महाराष्ट्र में काफ़ी टाइम से हूँ, बट ब्लॉगिंग के पर्पज़ से मैं इस चीज़ को जानना चाह रहा हूँ और इस चीज़ को मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये यात्रा कब से हो रही है। और इस यात्राओं में शामिल होने का जो क्रेज़ है वो बहुत ही अलग है। यहाँ पर क्या बूढ़े क्या बच्चे, हर एक एज के लोग पैदल चलते हैं 21 दिन तक। ये यात्रा देहू से शुरू होती है और पंढरपुर में ख़त्म होती है। पंढरपुर यहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ पे जाके ख़त्म होती है। 21 दिन कंटिन्यू पैदल चलते हैं ये लोग, चाहे बारिश हो या फिर कोई कैसा भी मौसम रहे, ये लोग कंटिन्यू चलते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं और आपको मिलाते हैं आगे कुछ लोगों से। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5, और आप हमारे आसपास भीड़ देख पा रहे होंगे कि किस कदर की भीड़ है। और ये सिर्फ भीड़ है पालिका जो हमारी यात्रा आ रही है उसको देखने के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे कैमरे से कि आप किस तरह से भीड़ है, क्या जन सैलाब है। और मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ ये, और क्या क्राउड है भाई। आप चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी, और मैं यहाँ से ना बहुत आउटसाइड में हूँ तो यहाँ पे भीड़ है। आप थोड़ा और पीछे देखेंगे पीछे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको सिर्फ सरीसर नजर आ रहे होंगे। तो हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि ये हैं ऋषि और जगजीत। पीछे नाम क्या है? राहुल। स्वप्निल। ये पूरा गैंग है हमारा। क्या करने आए हो यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग पालकी का मजा लेने आए हैं, आनंद लेंगे, देखेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे। वदता तृप्त होई रोम रोम, तृप्त होई रोम रोम, नाम मूर्तिमंत प्रेम, नाम मूर्तिमंत प्रेम। तो क्या आप मुझे इस यात्रा के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि यात्रा क्यों निकालते हो, कब से निकालते हैं, इसका महत्व तो क्या है, यहाँ पे इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं? ये आलंदी से निकलती है देहू से, और ये पंढरपुर तक पैदल ही जाते हैं। देहू से पंढरपुर की जो किलोमीटर होगा कितनी दूरी है वो वहाँ से? कम से कम एक 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर लोग कंटिन्यू पैदल चलते हैं? हाँ, पैदल। तो ये एक आस्था की ही बात है, लाइक आस्था की बात। 400 किलोमीटर चलना कोई नहीं, जोक नहीं है,
कि पैदल चलना 400 किलोमीटर वो भी इस मौसम में, कि हम लोग दोपहर में निकलना नहीं चाहते हैं कि इतनी गर्मी है क्यों बाहर निकलेंगे। नहीं, 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 ऐसा नहीं, बारिश है तो अभी दिल्ली चालू ही रहती है, अभी बारिश चालू हो जाएगा 3-4 दिन में, लास्ट तक बारिश रहता है, फिर भी दिल्ली रुकती नहीं है। तो जिसके लिए इतने लोग इंतजार कर रहे हैं वो आई थिंक वो जो रथ है वो आ चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके दर्शन करा पाऊं, क्योंकि भीड़ बहुत है और इस भीड़ में दर्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप आसपास देखेंगे तो इतना जन सैलाब है कि सिर्फ आपको सरीसर नजर आएंगे। फाइनली दर्शन तो हो गए हैं और आपको भी मैंने दर्शन कराए। भीड़ बहुत गंदी थी, मेरे पास में एक लेडीज़ जो गिर गई थी मैंने उसको बड़ी मुश्किल से उठा पाया, रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, मेरा माइक भी टूट गया है ये, और बट ठीक है दर्शन हो गए। और इतना भीड़ है और इस भीड़ का आलम जो है मैं कह सकता हूँ कि लाखों में लोग हैं यहाँ पे, और ये सब सिर्फ और सिर्फ ये भक्ति है, ये आस्था है लोगों की संत तुकाराम महाराज के प्रति। मूर्तिमंत प्रेम नाम, मूर्तिमंत प्रेम नाम, मूर्तिमंत प्रेम। ये जो वारी रहता है ये कम से कम 200 साल पुरानी चल रही प्रथा, और ये देवगांव और ये आलंदी से निकलता है, दो ये यहाँ से जगतगुरु संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज, ये दोनों बड़े महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हो गए। मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो सर पे तुलसी लेके चल रहे हैं। हाँ, तो तुलसी, है? तुलसी जो रहती है विठल और रुक्मणी, विठल जो है ना उनका प्रतीक है, और ये जो उनको है ना फूल नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ। उनको सिर्फ तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं एक बार वारी में आऊँ और दर्शन करूँ, कुछ कदम उनके साथ चलूँ। इस बार वो मेरी 40वें, यानी मैं अब 40 की हो गई और अब मेरी इच्छा पूरी हुई है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मेरा नाम कमलक्ष मुवल है। कमलक्ष मुवल, ओके। सो आपको हिंदी आता है अच्छे से, क्योंकि मुझे मराठी बहुत कम आता है, ठीक है। तो आपको इस यात्रा के बारे में क्या मालूम है? मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि वो जो संत तुकाराम का देहूगांव से शुरू होकर पंडरपुर तक जाता है और उधर वो उधर दर्शन करते हैं। ओके, तो आपने आज पालकी के दर्शन किए? हाँ किए। तो कैसा लगा पालकी के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। हम 20 साल से रहते हैं, हम इतना धन्य है कि ये जो जगह है, हम पिंपरी चिंचवाड़ी या पुणे के एरिया महाराष्ट्र में रह के, हम बाहर से हैं, आंध्रा से हैं, बट हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये जो जगह है ये पादुका है, तुकाराम महाराज का है, ये दूसरे साइड में आलंदी ज्ञानेश्वर महाराज का है, तो हमको बहुत मतलब धन्य है, इतना बोल सकते हैं, तो ऐसा बातों में नहीं बोल सकते हैं। और हर साल आते हैं हम बच्चों को लेकर, जब बचपन में थे तब से हम आते रहते हैं, तो हम रात को 2-3 बजे हम जाके दर्शन लेते हैं इनको, तो गोद में लेके हम दर्शन लेते थे, इतना तक हम मिस नहीं करते। तो बहुत बढ़िया है, सबको आना चाहिए, सब दर्शन लेना चाहिए। ये दुनिया का एक महाद्भुत है ये जो लाखों लोग जो वारकरी जो जाते हैं, तो इसे और अच्छा इस एक मौका नहीं मिलता है देखने के लिए। और हमारा संस्कार क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा रिलीजन का ये इसका स्ट्रेंथ क्या है, इधर से समझ में आता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप ये आस्था देखिए, लोगों के पास शब्द नहीं है इस यात्रा के बारे में बताने में। तो अभी जो आपने यहाँ पे भीड़ देखी है वो लगभग कितने लाखों के लोग? अभी ये यात्रा के 3-3.5 लाख लोग होंगे, और वो ज्ञानेश्वर महाराजान का आलंदी का जो शोला निकलेगा कल, वो 5-6 लाख लोग होंगे। तो आप भीड़ समझ पा रहे हैं? तो अभी मैं हूँ जो लोग यात्रा में शामिल होते। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, ओके दत्ता।
दत्ता भाऊ के साथ मैं बैठा हूँ अभी, और ये इंदापुर से है। ये इंदापुर से पहले देहू आए और देहू से अभी ये पंढरपुर जाएंगे, वो भी पैदल। तो इनसे थोड़ा बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि आखिर में ये इतना लंबा सफ़र कैसे करते हैं और क्यों कर रहे हैं। हर रोज 20-22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर हर दिन। तो ये मतलब आपको क्यों अंदर से इच्छा हो आई है कि चलना है, क्योंकि तमाम सारे लोग होंगे जो यात्रा में नहीं आए होंगे, उनके पास कुछ एक रीज़न होगा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो आपके मन में ऐसी इच्छा क्या हुई? मुझे हर एक व्यक्ति का किसी ना किसी भगवान के ऊपर विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, वो उस भगवान को मानते हैं। उसी तरह ये हम जैसे सब वारकरी है, पांडुरंग जो पंढरपुर के है, उनका सबका भगवान है, और उनको हर साल उनको उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। रोज इतने लोगों का पानी की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था कैसी होगी? कैसे होगी मुझे आइडिया नहीं है कैसे होगी, आप बताइए। कोई तो भगवान की ताकत होगी ना इसके लिए होगी। और यहाँ भेदभाव कौन सा भी नहीं, स्त्री पुरुष और वो जो जाति पाति होती है ना, इसका कुछ भी यहाँ भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एक परिवार जैसे चलते हैं लोग। आई थिंक यही तो सनातन की खूबी है, जिसको हम एक्चुअली सनातन बोलते हैं, यही आई थिंक यही खूबी है जो सनातन की, जहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। हम सबको बहुत परोसा जाता है सोशल मीडिया के जरिए से कि हिंदू में ये होता है वो होता है, अगर आप एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे आके सनातन को जानने की कोशिश करेंगे तो आप ये बात जो आप दादा कह रहे हैं ये बात सामने निकल के आती है, यहाँ पे कोई जाति का भेदभाव नहीं होता है, यहाँ पे सब एक समान है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट में श्री राम कृष्ण हरि लिखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।